होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस डीलक्स सुपर डीलक्स रूम क्वीन स्वीट्स प्रेसिडेंशियल स्वीट्स बेड डॉर्मेट्री ह्यूज पार्किंग स्पेस कनरादेव रोड सागर। कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और शासकीय धन के गबन के आरोप में फंसे निष्कासित भाजपा नेता राजकुमार धनोरा की सागर जिला न्यायालय ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को चतुर्थ जिला न्यायाधीश सुनील कुमार ने इस आशय का निर्णय पारित किया। जानकारी के अनुसार राजकुमार धनोरा ने अपने वकील जितेंद्र सिंह के माध्यम से कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ अग्रिम जमानत का आवेदन दिया था। इसमें उन्होंने हवाला दिया था कि मेरे पक्षकार राजकुमार धनोरा राज्य सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। इसके चलते यह केस दर्ज किया गया, जबकि शासन की ओर से मौजूद जिला लोक अभियोजक एड राम अवतार तिवारी ने बताया कि यह मामला सरकारी धन के गबन और कागजों से छेड़छाड़ का है। इसमें मंत्री राजपूत की कोई भूमिका नहीं है। अगर धनोरा को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने तिवारी के तर्क को माना और उनका अग्रिम जमानत संबंधी आवेदन खारिज कर दिया। राजकुमार धनोरा पर राहतगढ़ थाने में जनपद अधिकारी सुरेश प्रजापति ने तत्कालीन सरपंच रहते हुए मैनबारा कला में 1 करोड़ से अधिक के गबन की एफआईआर करवाई है। उन्होंने ये जमानत इस आधार पर मांगी थी कि राजनीतिक रंजिशवश मुझे झूठा फंसाया गया है, परंतु न्यायालय ने ये सब बातें उनकी अमान्य कर दी। ये मामला पुलिस थाना राहतगढ़ से संबंधित है, धारा 409, 420, 466, 468, 471 भारतीय दंड विधान का मामला है। मैनवारा ग्राम पंचायत के सरपंच राजकुमार सिंह धनोरा के विरुद्ध यह मामला CEO कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राहतगढ़ श्री SK प्रजापति जी के शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर थाना राहतगढ़ में पंजीबद्ध किया गया था। उक्त मामले में 1,31,97,000 रुपये की राशियों का गबन का आरोप सरपंच राजकुमार जी के ऊपर है, जो उन्होंने राज्य सरकार का पैसा भिन्न भिन्न योजनाओं का और केंद्र सरकार की भिन्न भिन्न योजनाओं का पैसा जो उस ग्राम पंचायत के विकास में व्यय होना था उसमें उन्होंने कोई भी विकास का कार्य ना करते हुए उक्त राशि का दुरुपयोग किया, दुरुपयोग किया। जांच माननीय कलेक्टर जिला सागर द्वारा कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर उन्होंने इसमें अनियमितता पाई। जिला दंडाधिकारी के आदेश के उपरांत जनपद पंचायत CEO प्रजापति के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट राहतगढ़ थाने में पंजीबद्ध की गई, जो जमानत आवेदन पत्र कल दिनांक को चतुर अपर सत्य न्यायाधीश माननीय सुनील कुमार जी की न्यायालय में राजकुमार जी की ओर से प्रस्तुत किया गया था, जो सरकार की ओर से हमारे माध्यम से हमने अपना पक्ष रखा। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के पक्ष को सुदृढ़ मानते हुए आरोपी अधिवक्ता को और आरोपी को जमानत का लाभ न दिए जाने हेतु आदेश प्रसारित किए हैं। उनका जमानत आवेदन पत्र नष्ट किया गया है। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन डीलक्स सुपर डीलक्स रूम क्वीन स्वीट प्रेसिडेंशियल स्वीट बेड डॉर्मेट्री बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और CCTV कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड सागर MP, फोन 9300229082।